Good morning, friends. Today we are going to learn about EVS, class 3, chapter 2. Topic है my family and me, यानी कि मेरा परिवार और मैं, यानी कि my family and me, मेरा परिवार और मैं. तो इस चैप्टर में हम लोग अपने परिवार के बारे में पढ़ेंगे और खुद के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा परिवार और मैं, यानी कि हम लोग अपने परिवार और खुद के बारे में पढ़ेंगे कि मेरे परिवार और मेरा क्या एक दूसरे का संबंध होता है, रिलेशन होता है एक दूसरे से, हम लोग एक दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सबसे पहला तो है फैमिली. फैमिली किसे कहते हैं? तो जब माता पिता और उनके बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं तो हम उन्हें फैमिली कहते हैं. फैमिली कैसे बनता है? तो जब माता पिता और उनके बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं तो इसे एक फैमिली बनता है. परिवार. परिवार एक ऐसी चीज है जहाँ हम लोग एक साथ रहते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं. हम फैमिली मेंबर के साथ अपना खुशी बांटते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं और हर सुख दुख में हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, परिवार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड कर रहते हैं और फैमिली के जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो फैमिली क्या है? तो जब माता पिता और उनके बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं तो उन्हें हम परिवार बोलते हैं. हमें अपने परिवार का केयर करना चाहिए, यानी कि हमारे फैमिली मेंबर में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबों का केयर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए. जब कोई फैमिली का कोई मेंबर दुखी हो तो उनका हाथ देना चाहिए, अगर कोई परेशानी में हो तो उनकी परेशानी सुननी चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. हमें अपने फैमिली का केयर करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉपिक है फैमिली. फैमिली मीन्स क्या होता है? तो परिवार. पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर इन अ हाउस मेक अ फैमिली. जब माता पिता और उनके बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं तो हम उन्हें फैमिली कहते हैं, यानी कि परिवार कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया. दे लव एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर. मतलब फैमिली में जो भी लोग रहते हैं वे सारे क्या है? एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे का केयर करते हैं, यानी कि एक दूसरे की देखभाल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दे जॉय एंड सैरो टुगेदर. वे लोग क्या है? खुशी और गम एक साथ मिलकर के मतलब बांटते हैं, यानी कि अगर फैमिली मेंबर में किसी को किसी बात से प्रॉब्लम हो गई हो या फिर वो दुखी है तो उसमें भी हमारा फुल फैमिली उनका सपोर्ट करता है और उनको दूर करता है, उनकी प्रॉब्लम को दूर करता है. यानी कि फैमिली मेंबर खुशी में तो एक साथ रहते ही हैं और जब उन्हें किसी प्रकार की दुखी होते हैं तो उसमें भी वो सारे एक साथ मिलकर के उसको खत्म करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि सुख और दुख में फैमिली मेंबर जो है एक साथ हमेशा रहते हैं. ओके, नॉट ओनली दिस, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सिर्फ यही नहीं,
वे लोग जो है वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि डिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, तो आश्रित होते हैं। वे फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी फैमिली के सदस्य हैं, वो सभी क्या है, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। ओके, उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है। फॉर देयर नीड्स मतलब उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो उसमें क्या, उन्हें अपने फैमिली मेंबर की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, तो हम फैमिली टॉपिक पे क्या क्या जाने, सबसे पहला हम फैमिली किसे कहते हैं, जब पेरेंट्स और उनके बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं तो इससे क्या है, परिवार बनता है, और परिवार के सारे मेंबर क्या है, एक साथ सुख दुख में एक साथ ही रहते हैं, और परिवार के हर एक सदस्य एक दूसरे का केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, और फैमिली मेंबर के जितने भी मेंबर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि आश्रित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्कशीट दिया है आप लोगों को, इसको बनाना है आप लोगों को, एक कॉपी ले लें और एक पेंसिल ले लें, और फैमिली टॉपिक को उस पर लिखे जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप लोगों को भरना है। इसमें फर्स्ट है, देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली, मतलब आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो यहाँ पे लिखना है, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे लिखना है, 6 है, 5 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो नंबर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे सपोज करिए देयर आर, जैसे मेरे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, जिसके जितने फैमिली मेंबर्स हैं वो अपना अपना फैमिली मेंबर का यहाँ पे जितने हैं काउंट करके उनका नंबर लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है देयर डैड, और ये क्या है, फैमिली जैसे कि दे आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, दे आर डैड, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स, इस वजह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यहाँ तक इसमें भर सकते हैं। ओके, फिर है माई डैड कुक्स फूड फॉर मी, यानी कि मेरा जो भोजन है वो कौन बनाता है मेरे लिए, ये यहाँ पे पूछा है। तो जैसे आपके घर में आपके लिए भोजन कौन बनाता है, आपके घर में आपके लिए कोई तो होगा जो भोजन बनाता है, किसी की दीदी होगी जो बनाती होगी, किसी की माँ होगी, किसी की दादी होगी, जिसका जो है वो यहाँ पे फील करता है, यानी कि आपके लिए आपके घर में भोजन कौन बनाता है, जैसे कि माँ बनाती है, यहाँ पर लिखेंगे माई मदर कुक्स फूड फॉर मी, यानी कि मेरी जो माँ है वो मेरे लिए भोजन बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है माई डैड हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, मतलब मेरा जो है पढ़ने में, स्टडी करने में, यानी कि अध्ययन करने में कौन हेल्प करता है, यानी कि आपका स्टडी करने में आपको कौन हेल्प करता है, माँ करती है, भाई करता है, यानी कि मदर करती है, फादर करते हैं, या फिर सिस्टर ब्रदर, जो भी है आप यहाँ पे लिखोगे कि आपके स्टडीज में यानी कि आपके अध्ययन में आपका कौन मदद करता है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपकी माँ मदद करती है तो यहाँ पे लिखेंगे माय मदर हेल्प्स मी इन माय स्टडी, यानी कि मेरी जो माँ है वो मेरा अध्ययन करने में यानी कि पढ़ने में मदद करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आई हेल्प माय डैड इन कीपिंग द हाउस क्लीन, क्या है, तो मैं जो हूँ आई हेल्प माई डैड इन कीपिंग द हाउस क्लीन, यानी कि आप जो हो वो किनका मदद करते हो,
घर के काम काज जो साफ सफाई होते हैं उनमें आप किनका मदद करते हो? तो आई हेल्प माई, जैसे कि आपके घर में कोई भी लोग होंगे जो साफ सफाई करते हैं, माँ भी हो सकती है जो पूरे घर पर साफ सफाई करती है, या फिर आपसे जो बड़ी सिस्टर है वो घर की साफ सफाई करते हैं, तो जो करते हैं उनका आप मदद करते हैं, वो कर। तो आई हेल्प माई, जैसे कि माँ है यानी कि मदर, तो आप अपनी मदर का हेल्प करते हो घर के साफ सफाई में, तो यहाँ पे मदर लिखिएगा। अगर आप अपनी बड़ी सिस्टर का हेल्प करते हो तो यहाँ पे सिस्टर लिखना है। ओके फ्रेंड, जैसे कि मैं जो हूँ अपनी माँ का हेल्प करती हूँ, तो यहाँ पे लिखना है आई हेल्प माई मदर इन कीपिंग दी हाउस क्लीन, यानी कि मैं जो हूँ अपनी माँ का क्या है घर को साफ सुथरा रखने में मदद करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आई डैश माय फैमिली, तो आई लव माय फैमिली, यानी कि मैं जो हूँ वो अपने परिवार से क्या है प्यार करती हूँ, तो यहाँ लिखना है आई लव लव माय फैमिली। अब बच्चों आप लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, तो ये फैमिली ये एक कॉपी या फिर पेंसिल आप लिए हुए हो उसको ये सारा नोट कर लीजिए। ये जो फिलिंग नंबर्स है को आप अच्छे से भर लीजिएगा। ओके, और इस चैप्टर में और भी है जो आपके बुक में है उसको भी आप अच्छे से भर लीजिएगा, उसी में मेरे फिलिंग नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।